कैसे हैं एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज कैच व्लॉग। और काफ़ी चेंज लग रहा हूँ ना, क्योंकि काफ़ी कुछ हो गया। मेरी शक्ल बदल गई है, मेरी हेल्थ चेंज हो गई है, मैं खुद बदल गया हूँ। दो हफ्ते से मैंने व्लॉग नहीं डाला क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई। एंड मैं इस व्लॉग में बिल्कुल ऑनेस्ट एक्सपीरियंस विदाउट एनी फिल्टर, फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ बताऊँगा कि दो हफ्ते में जो मैंने व्लॉग्स नहीं डाले हुआ क्या था। एंड व्हाट आई फेल्ट द वर्स्ट रियलिटी ऑफ बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। जो हम सोच के आते हैं यहाँ पर वो सब तो होता है, लेकिन साथ साथ कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में शायद हम इतना नहीं सोचते, या सोचते हैं तो उतने ब्रॉडर परस्पेक्टिव से नहीं सोचते। सो आई टेल यू बेसिकली हुआ क्या था। ओके, सो जब मैं लास्ट व्लॉग डाला, उस व्लॉग डालने के एक दो दिन बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई। मुझे हल्का सा बुखार हुआ, सर दर्द होने लगा, पेट में दर्द होने लगा। मैं डॉक्टर पे गया। डॉक्टर पे जाने के बाद उसने देखा नॉर्मल, उसने कहा नॉर्मल वायरल है, ऐसा कुछ खास चीज़ नहीं है, हो जाता है, छोटे मौसम बदल रहा है, गर्मियाँ आ रही हैं, इस वजह से हो गया। और मैंने कहा चलो ठीक है, घर गया। घर जा कर के मैंने देखा कि मेरे हल्के हल्के से ब्लिस्टर्स बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में, छोटे छोटे दाने निकलने लगे जिसमें वाटर था। सो मैंने जब उसको डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा नॉर्मल वायरल के से रैशेज हो जाते हैं, ठीक है। बट वो एक दो जगह ही थे, गले पे, बॉडी पे एक दो जगह थे। एंड जैसे ही अगला दिन हुआ, मैं सो के उठा तो वो मेरे फेस पूरा भर चुका था। इस वजह से भी इतने सारे मार्क्स आपको दिखाऊँ तो इतने सारे मार्क्स वर्क हैं जो कि पता नहीं कब तक जाएंगे, बट इट्स ओके। मुझे अंदाजा होने लग गया था कि क्या हो गया, और आई गेस अभी तक आपको पता चल गया होगा। बट मैं डॉक्टर पर गया, उसने बोला और साफ साफ क्या, चिकन पॉक्स। सो ऐसा माना जाता है कि मोस्टली हर बंदे को एक बार तो होता ही है। मेरी फैमिली में हुआ है लोगों को, बट मेरे को कभी नहीं हुआ था। इंडिया में कभी नहीं हुआ, यहाँ करके हुआ, बट इट्स ओके। सो मेरी पूरी बॉडी में भर गए थे, फेस मेरा काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदलने लगी, तबीयत ख़राब होने लगी, ज़्यादा बिगड़ने लगी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि उसने कहा आइसोलेट योरसेल्फ। वहाँ से कहानी हुई ख़राब, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बाहर निकलता हूँ, यूनिवर्सिटी, काम पे, या कभी बाहर टहलने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, जिम एंड ऑल, मेरा पूरा स्केड्यूल रुक गया। सो सेम चीज़ लोगों ने फील करी थी जब कोविड आया था, बट यहाँ पर आ करके मैंने वो फील करी जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था फील करूँगा। मैं आइसोलेट हो गया, मेरा हाल ख़राब हो गया, मैं घर के अंदर रहने लगा। घर के अंदर भी क्या, एक कमरे के अंदर रहने लगा। मेरे चाचा जो मेरे साथ रहते हैं, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी यार, क्योंकि एंड आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दैट। सामान लेकर के आना, कुछ खाने के लिए चाहिए वो लेकर के आना, क्योंकि मैं नहीं जा सकता, ये कंटेजियस होता है। वैसे यूजुअली जिसको एक बार हो जाए उसको फिर से नहीं होता, बेचक एक बार हो चुका है पहले, बट फिर भी मैं रिस्क क्यों लूँ। सो वो मैं अपने कमरे में रहा ऑलमोस्ट एक हफ्ता। ब्लॉग्स तो ऑब्वियसली ब्लॉग्स क्या, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मेरे बुखार था, मेरे को 102-103 बुखार जा रहा था, सर दर्द रहता था, तबीयत बहुत ख़राब थी, खुजली होती थी एंड ऑल, स्क्रैच नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ होती है, लोगों को पता है इस बारे में क्या होता है। बट द थिंग इज़, उस टाइम मैंने एक चीज़ सोची कि यार अगर वही बीमारी मेरे को सेम या शायद उससे ज़्यादा बड़ी बीमारी इंडिया में होती तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वी हैव गुड हैव बीन अमंग्स पीपल, हमारे आस पास लोग होते हैं और काफ़ी सारे लोग होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हम अकेले हैं। रिचर्ड अपना काम भी देख रहे थे, वो उन्होंने मेरा काफ़ी ख्याल रखा, मेरे को खाना दिया, बाकी सारी चीज़ें करी, बट वो उन्हें अपना काम भी करना है, वो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट ही हैं, अपना काम, अपनी जॉब, अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकते। तो वो वहाँ भी मैनेज कर रहे थे, मेरे साथ भी कर रहे थे। बट मैंने खुद को सोचा कि अगर वो नहीं होते, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहीं और रह रहे होते या मैं अकेला रह रहा होता, तो क्या, तो खुद से करना होता ऑब्वियसली, बट उसमें हालत और ज़्यादा ख़राब हो सकती थी। अब मैं बेटर हूँ काफ़ी, अभी मेरी कंडीशन ठीक है, बट मेरी पूरी बॉडी में भी मार्क्स हैं, वो धीरे धीरे जाएंगे, टाइम टू टाइम जाते रहते हैं, बट इट्स ओके। बट इट्स लाइक अ डाउनफॉल, आई वाज एट अ पीक, मैं सब कुछ मेरा अच्छा चल रहा था, सारी चीज़ें चल रही थी, बट एक डाउनफॉल आया छोटा सा। कुछ लोगों के लिए शायद वो बोले नहीं नॉर्मल डिजीज है, बट मेरे लिए इसे मैं डाउनफॉल में कंसिडर करूँगा, क्योंकि मेरी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं इस बीमारी की वजह से। मेरा थिंकिंग प्रोसेस बदला, मैं काफ़ी सारी चीज़ें सोचता था वो अलग होती हैं यहाँ पर। सो जो मैं बता रहा था, मेन थिंग इज़ बीमारी हुई, ठीक है, मैं हो गया ठीक, बट किसी का साथ चाहिए था, वो भी था मेरे पास, तो मैं जल्दी ठीक हो गया। लेकिन हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ आग पर आकर के सोचते हैं हम बस पढ़ेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, पैसा कमाएंगे, लेकिन अगर
एक हल्की सी एक बीमारी या कोई ऐसा एक लग जाए ना और आपकी लाइफ ऐसे पॉज हो जाती है, एंड इट फील्स वेरी वियर्ड। साथ साथ हो ये रहा था कि मैं इंडिया में से अपने पापा मम्मी से बात करता था, पेरेंट्स से बात करता था, या दीदी से या किसी से भी बात करता था, तो वहाँ पर वो भी सोचते थे कि यार हम चाह करके भी इसकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि वो काफ़ी दूर हैं, और मुस्कान ऑब्वियसली है नहीं, वो पर्थ में है तो वो भी नहीं आ सकती थी इस चीज़ के लिए। तो मेरे घर वालों का हाल काफ़ी बुरा था क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं मेरे को ऐसे बीमार होकर के इतना ज़्यादा। सी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बट जो तो पीक टाइम था ना, वो पीक टाइम में जो संडे मंडे मेरे गुजरे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थे यार। मैं लिटरली आई वॉज गिविंग अप ऑलमोस्ट, बट घर वाले मेरे को एक कहते ना मेंटल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, वो वहाँ से दे रहे थे। दवाइयाँ अपना काम कर रही थी और धीरे धीरे बेटर फील करने लगा था, लेकिन जो स्टार्टिंग के 3 दिन थे वो बहुत ज़्यादा मुश्किल वाले थे। सो मैंने जो चीज़ सीखी इस बीमारी इस चीज़ से, और जो मुझे लगता है कि अगर आपके साथ ये वर्स्ट फेज़ आ जाए और आपके पास कुछ नहीं है, तो उसके जो सॉल्यूशंस हैं जो मेरे को लगता है आपको बताना चाहता हूँ, जस्ट इन केस अगर आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी, कि दो सॉल्यूशन निकलते हैं। एक सॉल्यूशन ये है जो कि इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है बट काइंड ऑफ सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ हो, तो मैं अपनी बात करूँ तो अगर मैं अपने पेरेंट्स का वीज़ा लगवा करके रखूँ ऑलरेडी या रखता, तो जिस हिसाब से कंडीशन अगर और बिगड़ती एंड इफ एवरी थिंग वुड बी ओके फॉर देम, तो वो सीधे टिकट कराते या यहाँ आ जाते, या मेरी ऐसी कोई बीमारी होती जिसमें वो कम्युनिकेबल नहीं है तो मैं फ्लाइट लेके चले जाता, ठीक है कि भाई मेरे से नहीं रहा जा रहा या उन लोगों से नहीं रहा जा रहा, हमें मिलना है, तो या तो वो यहाँ आ जाते बट उनको वीज़ा चाहिए, अब मेरे को नहीं चाहिए बट मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास बीमारी ऐसी है वो फैल सकती है फ्लाइट में और अलाउ भी नहीं करेंगे। तो ये प्रॉब्लम तो है, बट सॉल्यूशन ये है कि वीज़ा अगर पॉसिबल हो तो पेरेंट्स वगैरह का लगा के रख लो, या किसी ऐसे बंदे का जो आपकी प्रॉब्लम में ज़्यादा बढ़ जाए, प्रॉब्लम आपसे नहीं हैंडल हो तो आ सके आपकी हेल्प के लिए या आप जा सको, ये सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन, अच्छा उनको आने जाने में टाइम तो लगेगा ऑब्वियसली, फ्लाइट है दूर है, 12 घंटे भी मिनिमम तो लगते हैं फ्लाइट लेने में बैठने में, अगर डायरेक्ट फ्लाइट भी होगी तो। फिर भी एक दूसरा सोल्यूशन है, वो है एक इंस्टेंटेनियस प्रॉब्लम जब हो जाए तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये है कि कनेक्शंस। रिचा मेरे साथ रहते हैं, साहिल भी मेरे साथ रहते हैं, और भी जो लोग मैं नाम नहीं लूँगा बट मेरे काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने मेरी हेल्प करी, ये सब लोग मेरे कनेक्शन हैं। मैं बाहर जाता हूँ लोगों से मिलता हूँ, अच्छे कनेक्शन बनते हैं, यार इन लोगों ने बहुत हेल्प करी है। रिचा का तो मैं गिन ही नहीं सकता, ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी उन्होंने, बट और जो भैया के पेरेंट्स हैं जब वो आए उन्होंने भी, वो भी घर पे हैं बाहर गए हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प करी है। उन लोगों की मैं गिन नहीं सकता, पर बाकी लोगों ने जो मेरे सिर्फ कनेक्शन हैं उन्होंने एक एक इंसान ने मेरी अपनी तरफ से हेल्प करने की कोशिश करी जितनी वो कर सकते हैं। एक छोटा सा केस बताऊँ तो यहाँ इस बीमारी में नीम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अलग अलग फेज और परस्पेक्टिव से, बट नीम मिलता नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, मिल नहीं रहा। इंडिया में तो क्या है कहीं से भी तोड़ लो किसी के भी पेड़ लगा हुआ, राइट, बट यहाँ पर नीम मिल ही नहीं रहा था, तो उन्होंने ऑर्गेनाइज करा नीम को, पैसे दे करके ऑर्गेनाइज करना पड़ा, सारी जगह ढूंढा मिल नहीं रहा था। एक इंडियन स्टोर से मैंने मतलब उन्होंने $10-15 दे करके लिया और फिर यहाँ तक पहुँचा, एंड देन आई यूज इट। यार वो लोग इतना मेरे लिए कर रहे थे, सब लोगों ने मेरी बहुत मदद करी है। मैं कुछ लोग शायद सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी बीमारी नहीं थी, बट मेरे लिए थी भाई, मेरे को अफेक्ट करा इस बीमारी ने, मेरे लिए डाउनफॉल था ये, और मैंने कभी सोचा नहीं था मैं इतना बीमार हूँ, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे जो कनेक्शन है वो इतना ज़्यादा हेल्प कर, पड़ोसी पागल हो गए, तो जो मेरे कनेक्शन है मुझे पता नहीं था वो इतनी ज़्यादा मेरी हेल्प करेंगे, एंड थैंक यू। मैं अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो सबसे पहले तो इट्स ओके, चीज़ें ख़राब हुई हैं, थोड़ा चेहरा बदल गया है, मैं बदल गया हूँ, कोई नहीं ठीक हो जाएगा सब कुछ, ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक बार जान आ गई, बॉडी में जान ज़रूरी है, वो जान आ गई है वापस। व्लॉग्स नहीं आ रहे थे ऑब्वियसली, क्यों नहीं आ रहे थे मैंने आपको रीज़न भी दे दिया, मैंने आपको बता दिया है कि वर्स्ट रियलिटी क्या है, मैंने आपको सॉल्यूशन भी दे दिए, और कनेक्शन वाला तो बना के रखो प्लीज़ कनेक्शन। सिर्फ अब वहाँ से आकर के भी आप सिर्फ घर के अंदर बैठे हो, कनेक्शन नहीं बना रहे और कहीं जा नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, देन इट्स ऑल्सो नॉट गुड। सो आई वुड से मेक गुड कनेक्शंस, दीज विल हेल्प यू इन प्रॉब्लम्स, क्योंकि यहाँ पर
हर बार अकेले लड़ना शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन किसी की हेल्प मिल जाती है तो काफ़ी सहारा हो जाता है। ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं है, आप कहीं भी जाओ यार, सी इवन इन इंडिया, अगर आप कहीं जॉब करने जा रहे हो या फिर आप कनाडा जा रहे हो, यूके जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, ये प्रॉब्लम तो कहीं भी आ सकती है ना, बीमारी डिजीज वगैरह तो कहीं जा सकती है। एक पर्सपेक्ट, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ इसके साथ, कि यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है वो काफ़ी अलग है। अच्छा, इंडिया में मैं बीमार होता ना तो डॉक्टर शायद मेरे घर ही आ जाता, ठीक है, या हॉस्पिटल्स या जो भी चीज़ें सब अवेलेबल होती है। बट यहाँ पर जो एकदम मरने की हालत में होता है ना, उनको प्रायोरिटी को पहले रखते हैं, हम जैसों को जो छोटी मोटी बीमारियों को नहीं रखते, ठीक है, समझ में आता है। बट यहाँ का हेल्थ सिस्टम उतना मुझे स्ट्रॉन्ग पता नहीं क्यों नहीं लगता, इंडिया में ज़्यादा लगता है। ऑल्सो जो बीमारी से सी मेडिकल इंश्योरेंस OHSU जो हमारे पास होता है, वो हेल्प मेरे को किया काफ़ी ज़्यादा, मेरे इतने पैसे नहीं खर्च हुए, मेरा 30-40% मैंने दिया हर बार जब मैं डॉक्टर पर गया हूँ। मेडिबैंक का कलर उस कार्ड था इस वजह से, सो ऑब्वियसली वो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि रखो अपने पास, स्टूडेंट्स जो भी आ रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि हाल कैसा होता है यहाँ पर, हेल्थ का क्या है, हेल्थ सेक्टर कैसा है इंडिया के मुकाबले। हेल्थ सेक्टर मुझे यहाँ का अभी तक तो इतना कुछ खास समझ में नहीं आया, बट इट्स ओके, लाइफ है। और सी ये मैं आपको सिर्फ पूरे पर्सपेक्टिव नहीं बता रहा ऑस्ट्रेलिया के, मैं जस्ट बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस, ठीक है, बंदा बीमार हो जाए या बंदे की हालत ख़राब हो जाए तो कैसा फील होता है, कैसा लगता है यहाँ पर एक अलग जगह पर, जब आप अपने फैमिली से दूर हो। एंड ये कॉन्फिडेंस लूज़ करने के लिए नहीं कह रहा, कोई भी हमें यहाँ पर चाह रहा है अपना कॉन्फिडेंस लूज करो, जिस बता रहा हूँ ये चीज़ें होती हैं, तो सोल्यूशन जो बताए हैं वो तैयार रखो एंड अपने आप को प्रिपेयर रखो कि अगर मैं बीमार हो जाऊँ या अगर मेरे हाथ से चीज़ें छूटने लगें तो मेरे को कैसे टैकल करना है, ये सब ज़रूरी है आई वुड से। सो अभी अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये मास्क जाने में टाइम लगेगा, सनलाइट में हम ज़्यादा जा नहीं सकते, एंड वापस करेंगे जिम वापस शुरू करेंगे, 2 हफ्ते पूरे ख़राब हो चुके हैं, पढ़ाई वेस्ट हुई, वो तो अच्छा मेरे को एक्सटेंशन मिल गई, काम पे नहीं जा पाया, अब वापस जाना शुरू करना पड़ेगा। एंड आई एम थिंकिंग टू ग्रो बीएड, लेट्स सी, देखते हैं कैसी लगती है, नहीं लगेगी तो 1 मिनट लगेगा काट लेंगे। नया वर्जन लाते हैं कैटलॉग का, वापस नया वर्जन लाएंगे, ठीक है, कैटलॉग बीमार हुआ कोई बात नहीं, कैटलॉग 2.0 आएगा विद बीएड शायद। एंड थैंक यू यार आप लोग, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे को सजेस्ट करना, जिन लोगों को बीएड की नॉलेज है वो सजेस्ट करना, जो लोग अपने एक्सपीरियंसेस बताना चाहते हैं, अगर बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या बीइंग एन स्टूडेंट या बीइंग एनीवन जो घर से दूर है वो, या जो भी आपके मन में ख्याल है या कुछ भी है, इस वीडियो को देख करके लिख दो कमेंट सेक्शन में, आई रीड देम। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इतने धीरे धीरे बेटर होने की कोशिश करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, अपनी डाइट को स्ट्रॉन्ग रखेंगे। एंड थैंक यू सब लोगों ने जिन्होंने मेरी मदद करी है फिर से, एंड पापा मम्मी तो आप लोगों का तो क्या ही बोलना, गिन ही नहीं सकते भाई पेरेंट्स का तो। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, वापस आ गया, 2 हफ्ते का गैप हो गया, बट इट्स ओके, फिर से वापस शुरू करेंगे, रूटीन आएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो करना चाहे कर सकते हो।